Okay, students, so this is very important lecture, very important specifically for the students who are going to appear in the exams. Okay, so this video lecture, it is all about that how you should attempt the questions which are related to paragraphs or lines of essay or poems. Okay, so the what is the basic pattern of Kumaon University examination, that is that you are going to receive some lines. Okay, lines they are to be taken from essays or the poems. इस तरीके का जो पैटर्न होता है ना, आप क्या देखते हैं, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर ओपन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आप देखते हैं, दे आर सम लाइंस. ओके, एक पैराग्राफ दिया रहता है. पैराग्राफ जो है बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक पैराग्राफ मिलता है. दीज आर दी लाइन्स विच आर टेकन फ्रॉम एसेज, है ना. और बाकी जो सेमेस्टर्स हैं एम ए के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे हम देखेंगे सिमिलरली जो है लाइंस एसे से मिलती है या फिर लाइंस आपको पोएम से मिलती है. ठीक है, तो आज जो हम एग्जांपल लेंगे दैट इज़ द एग्जांपल वी आर टेकिंग फ्रॉम बीए सेकंड सेमेस्टर. ओके, तो ये एक काइंड ऑफ यूनिवर्सल वीडियो लेक्चर रहेगा. ओके, बिकॉज ये जो है सिर्फ एक आइडिया देने के लिए दैट हाउ यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. ओके, हाउ यू शुड आंसर, एक काइंड ऑफ यू नो जस्ट टू प्रोवाइड अ काइंड ऑफ आइडिया. इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. ओके, सो आपको क्या करना है, चाहे यू आर अटेंडिंग द क्वेश्चन, यू आर यू नो अटेंडिंग द क्वेश्चन फ्रॉम पैराग्राफ और लाइंस, तो साइमल्टेनियसली यू शुड जस्ट टेक द आइडिया फ्रॉम दिस लेक्चर. ओके, सिर्फ आइडिया लेना है, ये नहीं करना है कि ओके आपने सिर्फ पोएम्स बताए, आपने ऐसे नहीं बताया या फिर आपने कुछ ऐसे नहीं बताया, थिंग्स लाइक दैट, या फिर सेकंड सेमेस्टर का क्यों पोएम ले लिया एंड थिंग्स लाइक दैट. इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है. ओके, तो यू जस्ट हैव टू टेक द आइडिया दैट हाउ यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड दैट्स इट. ओके, तो आइडिया पे फोकस करना है, टेक्स्ट क्या लिया है उस पर फोकस नहीं करना है. ओके, सो दिस इज़ द थिंग. आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. ओके, सो today I am just taking an example of this very great poem on his blindness. Okay, so this poem is written by John Milton, and jitne bhi students hain, chahe wo 6th semester ke hain ya 4th semester ke hain ya 5th semester ke hain, whatever semester you are now when you are watching this video, so just take an idea. So this poem, this is prescribed in your second semester. All right, now this poem, it is written by John Milton. So exam में देखो बच्चों, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो first semester के हैं, है ना, उनको बिल्कुल idea नहीं आता that okay ये क्या हो गया है, हमें समझ नहीं आ रहा, and things like that, they you know they are very confused that how we should answer these kind of question. अचानक से ऐसे question आ गए and they have no idea because they haven't attempted these kind of question in their 12th, right? और जैसे ही graduation के first semester में आते हैं, first year में आते हैं, तो they suddenly spot these kind of questions and they are very confused and they are in a kind of dilemma with how we should answer these. So I'm just taking these lines. Suppose ये जो 5 lines हैं या 4 lines हैं, ये lines आपके exam में आती हैं, as it is exam में आती हैं, right? यूजली यही होता है, क्वेश्चन पेपर जैसे ही आप ओपन करते हैं, यू सी दैट ओके ये कुछ लाइंस दी हुई है एंड वहाँ पे लिखा हुआ है दैट एक्सप्लेन दीज लाइंस. ओके, और यूजली ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का होता है. वी आर टेकिंग इट एज 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, सिंस दिस इज़ कोविड टाइम, राइट. तो हो सकता है क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाए, इन द सेंस दैट नंबर जो हैं ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, वाइस एंड वर्सा लाइक दैट. ओके, तो हम बेसिक एक ले रहे हैं दैट ओके दिस क्वेश्चन इट कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स. ओके, दिस इज़ द थिंग. ओके, सो ये जो लाइन है वो आपके एग्जाम में आ गई एंड नाउ हाउ यू हैव टू राइट इट. देखो सबसे पहली जो चीज़ है इज़ दैट वेन एवर यू हैव दिस क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले सारी लाइन्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है.
ओके अब जैसा क्वेश्चन पेपर परमिट करता है सबसे पहले तो वो चीज़ें पढ़नी है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको अगर ये बोला गया है कि आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ दी 5 गिवन, तो यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट एनी 3। वहाँ पे टाइम वेस्ट करके पूरे 5 मत कर देना, ठीक है। अगर आपको बोला गया है 4 करिए तो आपको 4 ही करने हैं, आपको कहा गया है 2 करिए तो आपको 2 ही करने हैं। यू गेटिंग इट? तो सबसे फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज जस्ट रीड द क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, जस्ट गिव 5 मिनट्स टू द क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इन लाइंस को ध्यान से पढ़ना है। ट्राई टू सेलेक्ट दोज लाइंस विच आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इन द सेंस कि आपको लाइंस समझ में आ रही हैं और आपको ये समझ में आ रहा है कि जो लाइंस हैं एग्जैक्टली किस पोएम से ली गई हैं, एग्जैक्टली किस एस्से से ली गई हैं। ओके, सो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सपोज़ उन 5 जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो लाइंस दी हुई हैं, उनमें से 3 आपने आइडेंटिफाई कर ली कि ओके द फर्स्ट पोएम इट इज़ बाय लेट्स से जॉन मिल्टन, सेकंड पोएम इट इज़ बाय शेक्सपियर, थर्ड पोएम इट इज़ बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, राइट। ये चीज़ आपने पहचान ली, देन यू हैव टू लाइक थिंक दैट ओके दीज लाइंस कौन सी पोएम से ये लाइंस ली गई हैं। ओके सी जो बच्चे 6 सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, एमए में पहुंच गए, दे वेरी वेल नो दैट हाउ टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन। ओके दी व्हाई आई एम यू नो गिविंग अ काइंड ऑफ डिटेल्स, दिस स्लो डिटेल यू कैन से, बिकॉज जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं या सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे गए हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ टू अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके तो सो जस्ट हैव दिस पेशेंस। नाउ फिर आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो पोएम है किस राइटर ने लिखी है और ये जो लाइंस हैं किस पोएम से ली गई हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने ये लाइंस पढ़ी, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंड, ओके ये आपने पढ़ी और आपको सडनली ये चीज़ दिमाग में आया कि दैट ओके दिस इज़ द लाइंस विच आर टेकन फ्रॉम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो किसने लिखी है जॉन मिल्टन ने। कि आप क्या है कि आपने समझ गए कि किस पोएम से ये लाइंस ली गई हैं। ओके अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो द पैटर्न। अब देखो सबसे पहली चीज़ इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके की जो लाइंस होती है उसको अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ करी जाती है दैट इज़ द रेफरेंस, दैट यू विल प्रोवाइड अ काइंड ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस इज कि ये जो लाइंस हैं वो कहाँ से ली गई हैं। यू नो जब आप रिसर्च वर्क करते हैं तो आप हमेशा रेफरेंस देते हैं कि अगर हम कोई एक वर्ड ले रहे हैं या फिर कोई एक लाइन ले रहे हैं तो वो लाइन हमने कहाँ से ली है, राइट। दैट इज़ द काइंड ऑफ रेफरेंस यू हैव टू प्रोवाइड हेयर ऑल्सो कि ये जो लाइंस आई हुई हैं ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं। अब देखो इसको करने का भी कई सारे तरीके होते हैं किस तरीके से आपको करना है। सिंपली हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट, कैसे शुरुआत करनी है, दीज लाइंस हैव बीन, देखो और अच्छा बनाना है सिंपली आप लिख सकते हैं दीज लाइंस हैव बीन, और अच्छा बनाना क्या लिख सकते हो, दीज ब्यूटिफुल लाइंस, या और थोड़ा सा उसे what you can say decorate करके आप लिख सकते हैं these eternal lines, right। शेक्सपियर का अगर कोई टेक्स्ट आ जाता है, okay these philosophical lines, कोई ऐसे है जो बहुत philosophical टाइप का है, these philosophical lines, okay Ben Bacon का कोई ऐसे आता है तो these aphoristic line, okay तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको decorate करना है। so These beautiful lines or simply these lines have been, कई सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी है, ध्यान से इस चीज़ को देखो, ये नहीं करना है कि कुछ भी लिख दें, जस्ट ध्यान से देखिए, these beautiful lines or these lines has been extracted from or taken from selected from, okay extracted from taken from selected from, ये गेटिंग इट, इन तीनों में से कोई एक चीज़ लिखनी है, जो भी चीज़ आपको उस समय पे याद आए, एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं, वट एवर यू नो डायरेक्टली स्ट्राइक टू योर माइंड कि हमें जो भी याद आ रहा है वो चीज़ लिख दो। कैसे शुरू करना है, दीज लाइंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, या तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिखो या टेकन फ्रॉम या सेलेक्टेड फ्रॉम, ये लिखना है आपको,
ओके सेंटेंस क्या बनेगा आपका, दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम, ओके गेटिंग इट, इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको लिखनी है, या तो आप एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिखिए, टेकन फ्रॉम लिखिए, इन लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फ्रॉम होना चाहिए, टेकन फ्रॉम, ओके और सेलेक्टेड फ्रॉम, राइट, इन तीनों में से कोई एक चीज़ लिखनी है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम, और दीज लाइन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, और दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हैज़ बीन या हैव बीन या कुछ भी लिख सकते हो, टेकन फ्रॉम, ओके। अब देखो क्योंकि हमें ये पता है दैट दीज आर दी ओपनिंग लाइन्स, गेटिंग इट, तो ब्यूटिफुल लाइन्स की जगह आप क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दीज आर दी ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम, इट इज़ जस्ट वे ऑफ राइटिंग, किस तरीके से आपको बताना है कि ये लाइन्स किससे ली गई हैं, उसको बताने का कुछ भी तरीका हो सकता है, राइट अब देखो जो बच्चे अभी धीरे धीरे तुम लोग सीख जाओगे, लेकिन जो सेकेंड सेमेस्टर में है या जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, जस्ट ट्राई टू यू नो मेमोराइज इट, फिलहाल यही कर लो, धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो अच्छा अच्छी तरीके से लिख लेना, ओके फिलहाल आप क्या करना है, इसको मेमोराइज करना है, वैसे ये एडवाइस नहीं करनी चाहिए कि यू हैव टू मेमोराइज इट, बट ओके सम थिंग्स यू हैव टू मेमोराइज इट इन ऑर्डर टू गेन गुड मार्क्स, राइट बट येस एट द सेम टाइम अगर आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं तो जस्ट राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज और उसे ब्यूटिफाई करने की कोशिश करो, राइट सो क्या होगा, दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम, ओके दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम और दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द सोनेट, आई हैव रिटन हियर सोनेट क्योंकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है, ओके हर एक पोयम जो दी होगी वो सोनेट नहीं होगी, तो आप अगर सोनेट है पहचानना पड़ेगा ना, अगर सोनेट है तो सोनेट लिखोगे, अगर सोनेट नहीं है तो पोयम लिखोगे, और अगर हम एस्से की बात कर रहे हैं, अगर लाइन्स एस्से से लिए हैं तो यहाँ पे एस्से से लिखोगे, गेटिंग इट नाउ, फ्रॉम द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ओके किससे ली है ये पोयम, सॉरी किससे, हाँ हमने ये लिया हुआ है, दिस इज रबर आई गेस, या ओके तो ये जो हमने लाइन्स हैं किससे ली हुई हैं, वी हैव टेकन दिस लाइन्स फ्रॉम सोनेट दैट इज़ ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और अब हमें क्या बताना पड़ेगा कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसने लिखी है, राइट तो अगेन कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड बहुत अच्छा वर्ड है, कंपोज्ड नहीं आ रहा मैं याद नहीं हो रहा है तो रिटन बाय लिख दो, रिटन बाय जॉन मिल्टन, सिंपली यहीं पे भी एंड कर सकते हो, पर ओके हमें थोड़ा सा यू नो अपना स्पेस कैप्चर करना है, राइट क्या लिख देंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसके बजाय कुछ और भी लिख सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट ऑफ प्यूरिटन एज, समझ गए जॉन, अगर विलियम शेक्सपियर की यहाँ पे कोई सोनेट होती तो आप क्या लिखते, क्या लिखते आप लिख देते कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ एलिजाबेथन एज, तो आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, या फिर आप जब पढ़ाया जाता है उस टाइम पे ध्यान से सुनिए कौन सा राइटर किस एज से बिलोंग करता है, वी ऑलवेज स्टडी दैट थिंग, हमेशा हम उस एज की जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या चीज़ें उस टाइम उस एज में इम्पोर्टेंट थी वो हमेशा हम पढ़ते हैं, या तो फोकस ऑन दोज वट एवर बीन टॉट टू यू एट दैट टाइम, या फिर बाद में रिसर्च करो, राइट तो जो लेक्चर्स तुम्हें दिए जाते हैं उसका कोई रीज़न होता है, यू हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ दोज लेक्चर्स, राइट सो अब हम जॉन मिल्टन की बात करते हैं, ठीक है ये चीज़ हो गई। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि जैसे जो एमए के स्टूडेंट्स होते हैं यूजली वो क्या करते हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ पे व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग कि आप अलग अलग लिख लीजिए, बिकॉज क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, राइट तो आपको क्या करना है, 5 पॉइंट बनाने, ऑलवेज यू नो डू दिस थिंग, मेक व्हाट आई ऑलवेज टोल्ड यू इन द क्लास दैट ऑलवेज ट्राई टू मेक यू नो थिंग्स ईजी फॉर द एग्जामिनर, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए चीज़ें ईजी कर दो ना, कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हो, सो इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू मेक पॉइंट्स, लाइक इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स जस्ट ट्राई टू मेक 5 पॉइंट्स, सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर एग्जामिनर टू गिव यू 5 मार्क्स, राइट नॉर 5 टू एटलीस्ट 4, ओके सो दिस इज़ द थिंग, तो 5 अगर नंबर का क्वेश्चन है तो 5
आप पॉइंट बना लिया। आप सोचिए अगर यही क्वेश्चन 6 नंबर का होता तो आप 6 पॉइंट थोड़ी बनाओगे तो 5 ही ना। ओके, थोड़ा सा क्या कर लोगे, जो कॉन्टेक्स्ट है अपना या फिर अपनी जो एक्सप्लेनेशन है उसे थोड़ा बड़ा कर दोगे। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। नाउ देखो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रेफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। रेफरेंस हमेशा दिमाग में रखो, रेफरेंस का क्या मतलब होता है कि ये जो लाइंस हैं, ये जो भी चीज़ है, जो लाइंस आपने ली है, वो लाइंस कहाँ से ली है, कब ली है, कैसे ली है, यू नो क्या सारी डिटेल। रेफरेंस इज बेसिकली ऑल काइंड ऑफ डिटेल्स अबाउट दोज लाइंस। तो यहाँ पे रेफरेंस में मैंने कुछ और चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी कि दिस पोएम इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1673 और द पोएम इज आल्सो रेकनाइज अंडर द टाइटल सोनेट 19 और व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंड। ये चीज़ कहाँ से आई होगी, ये चीज़ खुद ढूंढनी पड़ेगी, गेटिंग इट, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। या तो जब हम पोएम पढ़ रहे थे तब उस टाइम पे आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो तब ठीक है, वेल एंड गुड। दिस इज़ द रीज़न आई ऑलवेज यू नो रिकमेंड दिस थिंग दैट जब भी आप पोएम्स पढ़ते हैं उसके बाद समरी लिखिए अपने मन से, जो आप पता नहीं जो करते हैं ठीक है, जो नहीं करते उनका क्या कर सकते हैं, राइट। सो आई ऑलवेज एडवाइस यू दैट ऑलवेज कंपोज अ समरी आफ्टर रीडिंग द पोएम। जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसके बाद समरी लिखने की कोशिश करिए। चलो एनीवेज देन, ये जो है दीज आर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव एडेड। ओके, सो दिस इज़ द थिंग यू हैव टू एड इट, राइट। कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट व्हाट वी हैव एडेड दैट दिस सोनेट इट वाज पब्लिश्ड इन 1673 एंड द पोएम इज आल्सो रिकॉग्नाइज इन द टाइटल सोनेट 19। इज ये जो पोएम है इसको सोनेट 19 भी कहा जाता है या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, दैट इज द फर्स्ट लाइन। ऑलवेज ऐसे ही होता है, पोएम की जो फर्स्ट लाइन होती है यूजली जो टाइटल है वही लिया जाता है। ऑलराइट, नाउ थोड़ा सा रेफरेंस दे दो कि पोएम किस बारे में है, किस बारे में है पोएम। द पोएम सेंटर्स ऑन मिल्टन्स फेथ इन गॉड एज ही इज लूजिंग हिज आई साइट। सिंपल सा एक हमने क्या दे दिया, रेफरेंस दे दिया, क्योंकि पोएम इट इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली। एक लाइन का आपको बस थोड़ा सा हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया कि होल पोएम इट इज़ ऑल अबाउट दैट। अब सपोज यहाँ पे देखो कोई ऐसे होता, राइट, माना फॉर एग्जाम्पल हम फोर्थ सेमेस्टर का ही कोई ऐसे ले लेते हैं, विच ऐसे भी वी आर गोइंग टू टेक, वेट जस्ट वेट फॉर वेट फॉर अ सेक, लेट्स सी। हमने कहा एलियोसियस हक्सले का हम यहाँ पे इंग्लिश स्नॉबरी ले रहे हैं, राइट। तो इंग्लिश स्नॉबरी हम अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या मेंशन होगा कि ये जो लाइन्स हैं वो किसने लिखी हैं, कहाँ से ली हैं, इंग्लिश स्नॉबरी से ली हुई हैं, और लिखा किसने है, एल्डोसियस हक्सले ने लिया है। और उसके बाद आप थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ी सी डिटेल दे देंगे कि इंग्लिश स्नॉबरी कब लिखा गया। ओके, कुछ और अगर यू नो डिटेल्स है उसके बारे में तो यू हैव टू सर्च दैट, राइट। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या करना है कि इंग्लिश स्नॉबरी जो है किस बारे में है, इंग्लिश जो स्नॉब्स हैं उनके बारे में है, राइट। वो चीज़ थोड़ी सी एक लाइन में आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है बिकॉज दिस इज़ द रेफरेंस, ये रेफरेंस है। ओके, आपको पूरा पोएम की समरी नहीं लिखनी यहाँ पे, थोड़ा सा रेफरेंस। देखो ये दोनों चीज़ें एक ही पॉइंट में भी आ सकती हैं, आई एम जस्ट सेइंग दिस थिंग, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करके आ सकती हैं ये दोनों चीज़ें। ओके, अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, ध्यान किस चीज़ पे देना कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट, इस चीज़ पे नहीं देना है कौन सी पोएम लिखी हुई है और वो लिखने बैठ जाओ, नहीं। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, आइडिया लो कि दैट हाउ यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज़ द रेफरेंस। सेकेंड पॉइंट यू हैव इज द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है, वाई दे आर राइटिंग दिस पोएम। सिंपली ये पोएम लिखने का क्या रीज़न था, जब हम पोएम पढ़े थे तब भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि मिल्टन ने अपनी आई साइट जो है वो लॉस्ट, ही जस्ट लॉस्ट हिज आई साइट जब वो 1652 में, ही वाज ओनली 44 इयर्स ऑफ ओल्ड, काफ़ी अपनी मिडल एजेस में उसने जो है अपनी आई साइट खो दी। तो ये जो पोएम है 1655 में लिखी हुई है जब ही कम्प्लीटली लॉस्ट हिज विजन। ओके, थोड़ी बहुत जो है कॉन्टेक्स्ट इसका बता दो, दैट इज़ रिटन इन फर्स्ट नरेशन जहाँ पे पोएट ही इज़ लैमेंटिंग अबाउट हिज लॉस ऑफ आई साइट, गेटिंग इट। तो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट बच्चों लिखा जाता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, वाई दे आर राइटिंग दिस पोएम। रेफरेंस क्या है, समझ गए, रेफरेंस होता है किसने लिखा है, क्यों लिखा है, राइट। कॉन्टेक्स्ट होता है कि ओके व्हाट वाज द रीज़न व्हाई दिस पोएम वाज रिटन, या थोड़ा सा इनसाइट अबाउट द पोएम। ओके,
क्या अब ये बताता है, इट रिकॉर्ड्स हिज फेयर दैट ही विल नेवर बी एबल टू यूज़ हिज गॉड गिवन गिफ्ट फॉर पोइट्री अगेन. दिस इज द सिंपल कॉन्टेक्स्ट दैट आई हैव रिटन हियर. ये क्या है, छोटा सा कॉन्टेक्स्ट आपका यहाँ पे आ गया. सिंपली वी आर प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट दैट ओके व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइटिंग द पोएम. सिमिलरली व्हेन देयर इज दिस सेक्शन और द लाइंस टेकन फ्रॉम ड्रामा ऑल्सो यू हैव टू प्रोवाइड द काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यू हैव टू प्रोवाइड द काइंड ऑफ रेफरेंस. है ना, ये जो लाइंस हैं सिर्फ पोएम्स के लिए नहीं है, ये एस्से के लिए भी हैं और जो सेकंड पेपर आपका होता है उसके लिए भी हैं. ओके एंड ट्रस्ट मी, लॉन्ग क्वेश्चन से ज़्यादा मार्क्स आपको इन लाइंस में मिल जाते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन में यू आर नेवर गोइंग टू रिसीव फुल मार्क्स, बट यस ये जो लाइंस हैं देर इज़ द हायर प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू एटलीस्ट रिसीव 4 out of 5. गेटिंग इट, 15 मार्क्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो कभी भी 15 मार्क्स आपको नहीं मिल सकते, 14 मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे, लिटरेचर में कभी नहीं मिलते. ओके बट यस ये जो लाइंस हैं, यस देर इज़ द हायर प्रोबेबिलिटी दैट यस यू आर गोइंग टू रिसीव एटलीस्ट 3.5 or 4. इफ़ यू आर यू नो रिटन इट परफेक्टली यू आर गोइंग टू रिसीव 5 ऑल्सो. ओके तो ये जो लाइंस होती हैं ना इक्वली इंपॉर्टेंट होती है. ये मैं सोचा करो कि लॉन्ग क्वेश्चन ही बस इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं ऐसा नहीं. ओके सो वी हैव रिटन रेफरेंस, वी हैव रिटन कॉन्टेक्स्ट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द एक्सप्लेनेशन. देखो अब पोयम हम एक बार और पढ़ लेते हैं. व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, लेट्स जस्ट रिवाइज इट. What the poem is all about? He is considering that how my light is spent, that how I have lost my eyesight. Okay, half my days in this dark world and wide, and that one talent which is that's too high. He said that array of my half of my life. You know, already I have passed half of my days. That means half of my age is already passed. राइट कि मेरी जो एज है आधी से ज़्यादा तो गुजर चुकी है ना. आई हैव ऑलरेडी पास्ड माई हाफ ऑफ माई डेज, हाफ ऑफ माई ईयर्स. हमें पता है कि ही वॉज ओनली 44 व्हेन ही कम्प्लीटली लॉस्ट हिज आई साइट. ओके 44 में उसका जो आई साइट है वो जो है लिटरेट होना स्टार्ट हो गई थी. देन एंड दैट वन टैलेंट, देखो जब हम टैलेंट की बात कर रहे हैं, टैलेंट एक स्टोरी मैंने तुम्हें सुनाई थी. That is the story of the reference which has taken from the parable of talent. है ना, क्या होता था उस poem में कि there was the parable of talent. उसमें क्या होता था, एक lord था, उसने क्या करा था, अपने एक servant को, तीन servant होते थे, उनको कुछ talents दिए. talents is basically skill. पुराने time पर क्या होता था कि talent जो है money के sense में use हुआ करता था, है ना. तो वो क्या करा, वो जो lord था, he has given this. तो क्या हुआ था, दो जो सर्वेंट थे दे हैव यूटिलाइज्ड वेरी वाइजली दिस अमाउंट और दिस मनी और दिस टैलेंट. लेकिन एक जो सर्वेंट था उसने उस टैलेंट का कोई यूज़ नहीं किया और उसे क्या करा, यू नो छुपा के रख दिया, उस पैसे को जो है छुपा के रख दिया. ही हैजंट यूटिलाइज्ड इट एनीवेयर. तो जो अमाउंट था वो वैसे का वैसे रह गया, यानी टैलेंट जो है वो यूटिलाइज नहीं हुआ. तो जब वो लॉर्ड वापस आया तो मास्टर ही प्रेज्ड सर्वेंट्स हु हैव यूटिलाइज द मनी वेरी वाइजली. एंड क्या करा, जो तीसरा जो सर्वेंट था जिसने अपनी टैलेंट का यूज़ नहीं किया था उसे बहुत ज़्यादा पनिश किया. तो यहाँ पे दैट टैलेंट इट इज़ यूज एज अ पन. ओके पन की तरह क्रिएट किया है. पन इज़ बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच. ओके वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट तो मैं दोबारा से नहीं पढ़ाने वाली. वी आर जस्ट यू नो डिस्कसिंग क्या ये लाइन्स कहती हैं. ओके सो ही सेड दैट ओके आई हैव वन दिस टैलेंट. ओके यस लॉस्ड इन मी यूजलेस. ओके दो माई सोल इज़ मोर बेंट टू सर्व आई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट. वो कहता है कि ये जो टैलेंट गॉड ने मुझे दिया है, वट इज़ दैट टैलेंट. यहाँ पे वो जो स्किल है, सिंस ही इज़ अ पोएट तो उसका जो टैलेंट होगा वो क्या होगा, पोइट्री. राइटिंग पोइट्री इज़ द टैलेंट ऑफ अ पोएट, राइट. So he said that okay, the talent which God has given me, you know, lodged me with, it is just, you know, lying useless inside me. Whereas my soul is more bent to serve my maker. You know, I am very much willing or I am very determined to serve my maker. My maker here is God. And present my true account. Present my true account in the sense,
that okay, I am just trying to provide God the explanation that what is the reason that I am not able to use this talent. ओके तो ये जो पोएम है बहुत ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल है. पोएट के जो सौरो है उसका ग्रिफ है बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट. एक बड़ी मिडिल एजेस में ही उसने, मिडिल एजेस ही होती है 44-45, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे बुढ़ापा नहीं आता, इट इज़ जस्ट मिडिल एज. ओके सो तो इस तो ही इज़ वेरी डिस्टर्ब है ना, डिस्टर्ब इन द सेंस दैट क्योंकि ही इज़ नॉट एबल टू यूटिलाइज द टैलेंट गॉड हैज़ गिवन हिम. ओके तो ही इज़ वेरी फेयरफुल क्योंकि उसे क्या याद आ रहा है, उसे याद आ रहा है वो स्टोरी ऑफ द टैलेंट दैट हाउ द लॉर्ड हैज़ पनिश द थर्ड सर्वेंट. सिमिलरली ही इज़ थिंकिंग दैट गॉड इज़ गोइंग टू पनिश मी बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग दिस टैलेंट. सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल पोएम. ओके वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट. ऑलराइट तो चलो हम बहुत ज़्यादा आप इसे नहीं करते. अब देखो हमें हमेशा माइंड में ये चीज़ रखो कि हमें पूरी समरी नहीं लिखनी है यहाँ पे. जितनी लाइंस में पूछा गया है हमें बस उतना ही बताना है, तो हमें बस इतना ही बताना है, इतनी ही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है. अब हमने इन लाइंस को पढ़ लिया है, वही चीज़ अब यहाँ पे लिख लेंगे. कैसे हमने स्टार्ट किया, द पोएम बिगिंस विद व्हेन. व्हेन व्हेन से ये पोएम स्टार्ट होती है, जहाँ पे जो राइटर है इज इंट्रोड्यूसिंग हिज आइडिया इन द वेरी बिगनिंग. ठीक है, किस बारे में बता रहा है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज ब्लाइंडनेस. He has become blind in the middle of his age. यहाँ पर लिखा है ना, half of my days are already past. तो इस तरीके से आपको summary create करनी होती है अपने words में. The same thing which we have studied in the poem, the same thing we are writing here in our own language. Okay? So, the poet, he become blind in the middle of his age. He has to live in the dark and wild world for the rest of his life. है ना, poems में आप यहाँ पर poem में देखो lines में क्या लिखा है, dark world and wild. सी बिकॉज ही बिकम ब्लाइंड, वो अंधा हो गया है. राइट, तो अब जो दुनिया है उसके लिए कैसी हो गई है, डार्क हो गई है, वाइड विदाउट आइज, है ना. सो ही जस्ट बिकम ब्लाइंड. सो ही इज़ जस्ट कंसिडरिंग दैट हाउ माई लाइट इज स्पेंड, दैट हाउ आई हैव लॉस्ट माई विजन, हाउ आई हैव लॉस्ट माई आई साइट, इस तरीके से है ना. तो नाउ ही हैज़ टू लिव इन द डार्क एंड वाइड वर्ल्ड फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. Right, because he is blind now. Now, due to the pain of being blind, Milton starts the poem in a very bitter tone. Poem ki jo tone hai, wo kafi bitter hai. You can see this. This is how, you know, my life is spent, how I have lost, my eyesight, and when half of my years, they have passed. Half of my, days, they have passed. And I'm living in this very dark world without my eyes. So this is a very bitter kind of tone. So what he is saying, according to him, he often thinks that half of his life or sight or intelligence, it has been spent in serving humanity. But now he has lost his eyesight. So half life is now dark and wide, changing as well. Okay, so this is the same thing. The three jo lines thi, usse is tarike se explain kiya gaya hai. Similarly, jab aap essay ka jo essay hota hai na, jo essay ki jo lines di jaati hain. तो जब आप उनको लिखते हैं तो वो तो और ज़्यादा इजी है बिकॉज यू हैव मोर थिंग्स टू राइट. राइट, पोएम्स जो होती हैं वो तो सिर्फ तीन लाइंस की होती हैं और उसे आपको एक्सप्लेन करना है इन देयर ओन वर्ड्स. ऐसे तो और ज़्यादा इजी होता है बिकॉज देयर इज़ सो मच टू राइट अबाउट, क्योंकि वहाँ पे लाइंस ही काफ़ी बड़े बड़े जो होते हैं, पैसेज होते हैं, छोटे पैसेज नहीं होते. यू कैन राइट मोर एंड मोर. सिंपली वही चीज़ें लिखी गई हैं, है ना. तो क्या यहाँ पे लिखा गया है, He often thinks that half of his life or sight or intelligence has been spending in serving humanity. Lekin ab he has lost his eyesight, so half life is dark now, right? So now he is feeling that God has gifted him with the greatest talent. What is that greatest talent? That is writing poetry. अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही लैंग्वेज में लिखना है, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं. अपनी लैंग्वेज में लिखिए, जो भी आपने समरी बनाई है वो लिखिए, बिकॉज दैट इज़ ईजी फॉर यू टू मेमोराइज. राइट, दैट इज़ ईजी बिकॉज यू हैव रिटन इट. ओके, लेकिन बच्चों एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, दैट देयर शुड बी नो स्पेलिंग मिस्टेक्स. अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स यहाँ पे दिख गई तो आपके मार्क्स वैसे ही कट जाते हैं, भले ही आपने कितना अच्छा लिखा है. राइट, स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी. नाउ ओके,
Now he feels that God has gifted him with the greatest talent. What is the talent? That is the talent of writing poetry. He expressed his desire to serve God by using the ability which God has given him. Right? अब यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे लिखा है कि my soul is more bent. I am very determined to serve my maker, to serve my God, the you know, the God who has created us. Maker लिखा हुआ है. Maker कौन है? Maker is God. Unfortunately, he is not able to fulfill his wish to write because of his blindness. Okay? The one talent of writing which he had is useless. Now, because without eyesight, he cannot write. So, this is just a load from the God that he has been bestowed on him. So, the poet, he is basically lamenting over the loss of his eyesight. Okay, and he's just wondering that what this talent means to him now without the eyesight, as he cannot use it. So this is the very basic summary. So you can write it in your own words, whatever way you want to write it. Similarly, यही चीज़ अगर fourth semester में आती है और यहाँ पे हम कहते कि माना उनकी कोई, तुम लोग fourth semester की कोई poem है, माना किसी, हम कोई भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं, लेट मी जस्ट सी इट, वेट, हाँ हम ले लेते हैं टी एस एलियट की जर्नी ऑफ मेजाई. माना जर्नी ऑफ मेजाई ही यहाँ पे आ जाता. तो सेम एक्सप्लेनेशन यू हैव टू प्रोवाइड इट हेयर ऑल्सो ऑफ द पोएम्स और द लाइन्स. इसी तरीके से आपको वहाँ पे लाइंस के बारे में बताना होता. माना लाइंस आ जाती दैट सिंपल सी, ये वाली लाइंस आ जाती, एट द एंड वी प्रेफर टू ट्रेवल ऑल नाइट. ओके, उस तरीके से कुछ इस काइंड था, दैट दैट दिस वाज ऑल फॉली, इस तरीके का कुछ था ना, है ना. तो अगेन यू हैव टू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ रेफरेंस, देन कॉन्टेक्स्ट, देन एक्सप्लेनेशन. एक एक चीज़ जो है आप उसकी डिस्क्राइब करोगे. एलियट तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सिम्बॉलिकल लैंग्वेज जो है, सिम्बॉलिकल रेफरेंसेज, एल्यूजन, इन सब के लिए बहुत फेमस है. तो एक एक डिटेल आप वहाँ पे लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द बेसिक समरी वी हैव प्रोवाइडेड. नाउ अब जो फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाता है, दैट इज़ क्रिटिकल कमेंट. ओके, या तो क्रिटिकल कमेंट लिखो या क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखो, कुछ भी लिख सकते हो. अब यहाँ पे थोड़ा बहुत यू नो क्रिटिकल कमेंट आपको या तो अपने माइंड में रखो क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, या फिर यहाँ पे क्या लिखो, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बना के रख लो. और अगर मिल्टन की कोई भी पोएम होती है तो यू हैव टू राइट द सेम पॉइंट. ठीक है, मिल्टन की कोई भी पोएम आएगी, दोनों पोएम्स में से कोई भी पोएम आती है तो क्रिटिकल कमेंट्स तो एटलीस्ट आपके रेडी हैं. क्रिटिकल कमेंट्स में कुछ भी लिख सकते हैं, है ना. आप ये लिख सकते हो दैट द सोनेट लीव्स बिहाइंड द रोमांटिसिज्म ऑफ एलिजाबेथन लव सोनेट. और जो कम्प्लीटली ये जो है, दिस इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रगल. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, दैट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इट इज़ अ पिट्रेशन सोनेट लिरिकल पोएम विद 14 लाइन्स. दिस इज़ अ टाइप ऑफ सोनेट पॉपुलराइज बाई टैलिन प्रीस्ट पिट्रच, हैज़ अ राइम स्कीम ऑफ ए बी बी ए, ए बी बी ए सी डी ई, गॉट इट, सी डी ई सी डी. ओके, तो क्रिटिकल कमेंट और अप्रिसिएशन में क्या चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने होते हैं पोएम के बारे में. जैसे सेकंड नंबर में देखो, द वर्ल्ड टैलेंट इट हैज़ अ पन एंड टेकन फ्रॉम द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ पैराबल ऑफ द टैलेंट मैथ्यू 25. ये सारी डिटेल्स दी हुई है, थोड़ी सी रिसर्च बेचा करनी पड़ेगी. कई बार आई टेल यू दैट ऑल काइंड ऑफ यू नो डिटेल्स इन द पोएम इटसेल्फ व्हेन वी आर स्टडीइंग द पोएम, बट मेनी टाइम्स आई डू नॉट do that because yeah we have time limitations. So yes, you have to do that whenever we are studying the poem, whenever we are studying the essay or whatever, you have to do some kind of research yourself, right. Now the talent hai, that is upon jo biblical story parable of talent se liya gaya hai, that we have studied already. Now ye jo teesri cheez likhi hai critical comment mein, that this allusion to his blindness, it is first of many in his poem. यानी कि जो blindness का allusion जो लिया हुआ है, ये सिर्फ इसमें ही नहीं है, कई सारी poems में लिया गया है, but this poem is definitely the first poem to use this allusion. This is the thing. तो critical comment में कई सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, कई सारी चीज़ें आप use कर सकते हैं. Okay?
So you have to prepare. You have to prepare a critical comment for the poems. You know, just select. Just try to select that which poem or which poet you are preparing. उस तरीके से यू नो एक स्मार्ट वर्क थोड़ा सा करना होता है. थोड़े से पास पेपर खगा लो कि कौन सी ऐसी पोएम्स हैं जो लगातार आती रह रही हैं और हो सकता आगे भी उसी में से आए. राइट, जस्ट डू द स्मार्ट वर्क. कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. मिल्टन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. शेक्सपियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. शुरुआत के राइटर एंड लास्ट के राइटर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट डू द स्मार्ट वर्क. आई एम टेलिंग यू, हार्ड वर्क भी सही है बट स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए. राइट, ओके. सो द लास्ट पॉइंट इज कंक्लूजन. कंक्लूजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सी ऑलवेज प्रोवाइड अ कंक्लूजन. कंक्लूजन ही आपकी क्वेश्चन को कंप्लीट करता है. यू नो वट एवर यू आर राइटिंग, उसको कंप्लीट कौन करेगा? कहाँ से कंप्लीट होगा? कंक्लूजन ही तो करेगा ना. सिंपली यू कैन से, सो टू कंक्लूड वी कैन से दैट द पोएम गिव्स अस अ ग्लिम्स ऑफ मिल्टन्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ. राइट, कुछ और आप जब शेक्सपियर को मेंशन कर रहे हैं तो इसी तरीके का कुछ कंक्लूजन उससे बना दीजिए. आप अगर मिल्टन जॉनटन को लिख रहे हैं तो उसका बना दीजिए. एलियट का लिख रहे हैं उसको बना दीजिए. क्या लिख सकते हैं एलियट का अगर है तो? सो टू कंक्लूड वी कैन से दैट एलियट ए फ्रॉम ऑल द अबव डिटेल्स वी कैन कंक्लूड दैट एलियट इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर. इस तरीके से कुछ कंक्लूड आप कर सकते हैं, है ना. तो ये जो पोएम है ये बेसिकली हमें क्या दे रही है? इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग अस अ ग्लिम्स ऑफ मिल्टन फिलॉसफी ऑफ लाइफ. सो ऑन इट इज रिप्लेट विद अबंडेंट पैथोस. इट रिफ्लेक्ट द पर्सनल ग्रिफ एंड डिस्पेयर ऑफ पोएट्स मिल्टन्स एमिनेंस. द पोएट वॉज नोन टू पोजेस अ नोबल एंड लोफ्टी करेक्टर एंड एंड हिज कंडक्ट वॉज अकिन टू हिज नेचर एंड टेम्परामेंट. ज़रूरी नहीं है इतना डिफिकल्ट आपको कंक्लूजन लिखना है. आप बहुत सिंपल सा कंक्लूजन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. राइट, सो दिस इज़ द थिंग. जस्ट हैव दिस बेसिक आइडिया कि आपको ये लाइन्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से करने हैं. आई एम जस्ट होपिंग दिस थिंग दैट यू नाउ गेट सम आइडिया. सेम वे वी आर गोइंग टू डू ए वीडियो ऑन हाउ टू अटेम्प्ट दिस लॉन्ग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी हम एक वीडियो बना लेंगे. सो आई एम जस्ट होपिंग दैट यू रिसीव दिस काइंड ऑफ आइडिया दैट हाउ यू शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. तो जो पैटर्न होता है ना, फॉर्मेट होता है, इसी तरीके का फॉर्मेट हमेशा होना चाहिए. ओके, तो एंड तक इस वीडियो को देखना है एंड जस्ट मेक योर नोट्स एंड जस्ट हैव दिस आइडिया कि जो भी पोएम आए, जो भी लाइन आए, जो भी एसे की कुछ भी अगर आता है तो वी हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट. ओके, और फॉर्मेट के बच्चों मार्क्स होते हैं. जैसे आप लैंग्वेज में फॉर्मल लेटर करते हैं, फॉर्मल लेटर में सिर्फ बॉडी के मार्क्स नहीं होते, फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं. इवन इफ़ यू आर राइटिंग डेट करेक्टली, उसके भी आपको कुछ परसेंट मार्क्स मिल जाते हैं. 2 or 3% marks you receive only of writing the right format of date. So format is very important. All right. So that's it for today. All right. So just make notes. Start preparing for your exams. All right. Take care. Keep studying.